सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स की। मैग्नेट्स अपने आप में एक बड़ी अनोखी चीज है, तो चलिए पहले देखते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट्स। तो देखिए क्या क्या है। तो कुछ फैक्ट्स हैं मैग्नेट के बारे में कि एक तो मैग्नेट में हमेशा टू पोल्स होंगे ही होंगे। मतलब ये हुआ कि अगर एक बार मैग्नेट आपके पास, बहुत तरह के मैग्नेट हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट, उसको आप दो टुकड़ों में तोड़ दो या हजार टुकड़ों में तोड़ दो, छोटे से छोटे टुकड़े के भी दो पोल हमेशा रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मोनोपोल एग्जिस्ट करे, मतलब सिंगल पोल एग्जिस्ट करे, ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। कभी कभी गलती से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में ट्राइपोल एग्जिस्ट हो सकते हैं, बट वो भी बहुत टेम्पररी होते हैं, रॉन्ग चार्जिंग की वजह से ऐसा हो सकता है, बट डाइपोल हमेशा मैग्नेट में होता ही होता है। दूसरी बात, सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इन द यूनिवर्स आर मैग्नेटर्स। मैग्नेटर्स वो स्टार्स हैं जो डाइड ऑफ हो चुके हैं, जिसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो चुका है। वो इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर रखते हैं कि छोटे मोटे पिंड को या छोटी मोटी मून जैसे छोटे स्टोन्स को ऐसे ही खत्म कर सकते हैं। बट साइंटिस्ट का मानना है कि कुछ एक दर्जन तक ही ऐसे स्टार्स हैं जो डाइड ऑफ हो चुके हैं और जिनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर है। दूसरी, तीसरी बात, कैन टर्न मेटल्स इनटू मैग्नेट। अगर हम काफी टाइम तक एक मेटल को मैग्नेट के साथ रखें, फेरोमैग्नेटिज्म इस प्रोसेस का नाम है। इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में काफी डिस्कस करने वाले हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म में अगर हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास रखते हैं, तो हम उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं और काफी लंबे टाइम तक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर एक स्क्रू ड्राइवर को अगर आप मैग्नेट के ऊपर काफी टाइम तक घिस देते हैं, तो वो बिट्स ऑफ आयरन को या मान लो छोटे छोटे जो नट होते हैं उनको अट्रैक्ट कर पाता है। फोर्थ, अर्थ इज लाइक वन बिग बार मैग्नेट। अर्थ का अपना मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल है, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से काफी अलग है, उनके बीच में एंगल होता है, बट अर्थ अपने आप में बहुत बड़ा मैग्नेट है। इसलिए दिस इज हाउ इवन योर मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास जो है वो इसी तरीके से इसी के ऊपर काम करती है, बिकॉज वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को दिखाती है, अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को दिखाती है। एमआरआई तो आपने सुना ही होगा। एमआरआई में जो है, जो आपकी इमेजिंग टेक्निक होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक जो होती है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। कितना स्ट्रांग होता है वो लगभग अर्थ के मैग्नेटिक पावर से 60,000 टाइम्स ज्यादा होता है, 60,000 गुना ज्यादा होता है। बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होता है एंड उससे हमारी इमेजिंग की जाती है, कुछ भी डिजीज का पता करने के लिए हम एमआरआई का यूज करते हैं। एनिमल्स गेट्स अफेक्टेड बाय मैग्नेट्स। बहुत सारी फिश में ऐसा देखा गया है, बहुत सारे एनिमल्स में देखा गया है कि वो उनको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट, रिपेल या उनके बिहेवियरल चेंजेस में काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बर्ड्स और एनिमल्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। एंड वन मोर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैग्नेट्स आर एंशिएंट। मैग्नेट हम अभी मैनमेड मैग्नेट तो बहुत रिसेंट है, बट जो लोडस्टोन हो, जो मैग्नेटाइट है, जो उस लड़के मैग्नस की कहानी है, ये बहुत पुरानी है। जापान और चाइना में जब से हमें टाइम का पता है, ऑलमोस्ट तब से लोग एक लोडस्टोन उनके पास होता है। इनफैक्ट एंशिएंट टाइम्स में जो मरीनर्स होते थे, जो शिप पे काम करते, जो शिप होते थे, वो लोड स्टोन का यूज करते थे और लोड स्टोन को डायरेक्शन बताने में हेल्प करता था। तो मैग्नेट्स ऐसा नहीं कि अभी डिस्कवर हुए, मैग्नेट बहुत पहले से डिस्कवर हुए हैं। बाकी स्टडीज तो उनके बारे में बहुत लेट आई, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स काफी लेट आए, बट जो लोड स्टोन है, जो मैग्नेटाइट है, जो चट्टान है, वो बहुत पहले ही मिल गई थी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लेट्स सी दैट।